नमस्कार, मैं ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा मानवाधिकारों के हनन को रोकना है। मानवाधिकारों में मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता शामिल है। आज के दिन 1799 में मीट्रिक सिस्टम अपनाने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बना। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली मीट्री पद्धति का आधुनिक रूप है। इसे सामान्य रूप में दशमलव एवं 10 के गुणांकों में बनाया गया है। यह विज्ञान एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है। पुरानी मैट्रिक प्रणाली में कई इकाइयों के समूह प्रयोग किए जाते थे। मैट्रिक प्रणाली को वैज्ञानिक के समूह द्वारा अभिकल्पित किया गया था। इनमें एंटोनी लॉरियट लेवाशिवे प्रमुख थे। 10 दिसंबर 1799 को मैट्रिक प्रणाली को स्थायी रूप से फ्रांस में अपनाया था। आज के दिन 1582 में फ्रांस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नए साल का पहला दिन होता है और इस कैलेंडर की शुरुआत 1582 में पोप ग्रेगोरी 13वें ने की थी। इससे पहले जूलियन कैलेंडर प्रचलन में हुआ करता था, जिसमें बहुत सी गलतियां मौजूद थी, जिन्हें दूर करके पोप ग्रेगोरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। ग्रेगोरियन कैलेंडर की मूल इकाई दिन होता है और 365 दिन से मिलकर एक साल बनता है, लेकिन हर चौथे साल में दिन की संख्या 366 होती है और ऐसे साल को लीप ईयर कहा जाता है। आज के दिन 1870 में प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार का जन्म हुआ था। यदुनाथ अथवा जदुनाथ सरकार को प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। ये जमींदार परिवार से संबंध रखते हैं। इन्होंने 1892 में अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा पास की और जीवन का अधिकांश समय ग्रंथों के अध्ययन और लेखन में व्यतीत किया। इतिहास और अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान की थी। यदुनाथ सरकार ने मुगल और मराठा इतिहास पर कई ग्रंथ भी लिखे। इन ग्रंथों की प्रमाणिक सामग्री ने इन्हें ख्याति प्राप्त इतिहासकार बना दिया। आज के दिन 2001 में भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में शुमार दादा मुनि यानी अशोक कुमार का निधन हुआ था। अशोक कुमार ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अशोक कुमार को 1999 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा अशोक कुमार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अशोक कुमार ने पाकिजा, बहू बेगम, आरती, बंदनी, आशीर्वाद, चलती का नाम गाड़ी जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया था। अशोक कुमार ने खुद ही फिल्मों में काम नहीं किया, बल्कि अपने छोटे भाइयों अनूप कुमार और किशोर कुमार को भी फिल्मी जगत में करियर बनाने की प्रेरणा दी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। और अब आज का राशिफल। राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 10 दिसंबर दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। उत्साह एवं पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। नए मेहमान के आगमन से खुशियां भी आने वाली है। संतान को कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग है। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होगा। व्यवसायियों के लाभ में वृद्धि होगी। व्यर्थ की परेशानियों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। धन अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किस्मत आपके साथ है। परीक्षा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मोर्चे पर धन की आवक धीमी रहेगी। खर्चे अधिक होंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विद्यार्थियों का मनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामनी व सलेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। सेहत का ध्यान रखें। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही समय गुजरेगा। कार्य क्षमता के अनुपात में सफलता मिल सकती है। उत्साह बड़ा रहेगा और उसे आगे निकलते नजर आएंगे। परीक्षार्थियों के अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी।
दुल्हा आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%, जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है, मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने के कारण निराशा होगी, अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े, वाणी वे आचरण पर संयम रखे, अपमान के योग हैं, शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%, किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है, यात्रा मनोरंजक रहेगी, कानूनी अड़चने दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य संभव है, जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%, किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है, परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है, इस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बन सकते हैं, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं, शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैंगनी। मकर आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%, नौकरी पेशा जातकों के स्थानांतरण का योग है, स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत भी हो सकती है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मेहरून गुलाबी। कुंभ आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%, स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो सकती है, आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे, परिवार जनों से संबंधों में भी मतभेद हो सकता है, कारोबार में लाभ होने के योग हैं, शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%, घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अचानक धन लाभ होने के योग हैं, पारिवारिक समस्याओं के कारण मन खिन्न हो सकता है, वाणी पर संयम रखें, अपमानित होने के योग हैं, शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामुनी सिलेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121266888 या 0983706000 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।